सभी से मेरी गुजारिश है कि अपने मोबाइल फोन्स को आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। बहुत दिनों से इंतजार था आज के इस खूबसूरत शाम का। बहुत दिनों से यह शाम ख्यालों में उलझती रही है। बहुत दिनों से यह शाम को सजाने की उधेड़बुन दिमागों में चलती रही है और आज ये शाम इस रूप में आपके समक्ष सज रही है। आज वो दिन है जब इतने दिनों का इंतजार पूरा हो रहा है और आज की शाम इस रूप में आपके सामने है। पिछले साल आपसे इसी जगह पर मेरी मुलाकात हुई थी। आज फिर वो समय है, वो वक्त है उस पुरानी याद को ताजा करने का। आओ अब नूतन कर ले हम अपनी उस पहचान को और भर लूं आज तुम्हारी धड़कन से मैं अपने प्राण को और कर पाए फिर दूर ना हमको बरसों की दीवार भी स्नेह तुम्हारा ले जाऊं मैं जीवन के उस पार भी और बस जाऊं तुम मीत गीत बन मेरी हर एक सांस में लो आ गया देश तुम्हारे बंधे प्यार के पास में। लो आ गया देश तुम्हारे बंधे प्यार के पास में। आज की सुरमई संगीत संध्या में मैं कृष्णकांत यादव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर संगीत जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। शास्त्रीय संगीत की सेवा को अपना धर्म समझने वाले कुछ व्यक्तित्व यहां पर मौजूद हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। संगीत को दिल में रखने वाले आप जैसे सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। आप जैसे श्रोताओं के आने से हमारा गौरव बढ़ता है, आपके आने से हमारा मनोबल ऊंचा होता है, आपके आने से ख्याल नए नए आते हैं दिमाग में संगीत की सेवा के, आपके आने से ये शामें सुरीली होती हैं। आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही कलाकार की कला सही मायनों में परवान चढ़ती है कलाकार को। आप जैसे पारख ही श्रोता है वास्तव में कलाकार बनाते हैं। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपके आने से रोशन है ये समां, आपके आने से बहारें आती हैं और आपके आने से गुलाबों में महकती है खुशबू, आपके आने से दिल में खुशी होती है। आप में से बहुत सारे संगीत प्रेमी इस कार्यक्रम से कई सालों से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम की तासीर बहुत अच्छे से आप समझते हैं। यह है जयपुर जेम्स चैरिटेबल ट्रस्ट का सुंदर आयोजन उगम। सन 2005 में श्री पदमचंद सचेती ने अपने पिता स्वर्गीय श्री इंद्रचंद जी साहिब सचेती अजमेर वालों की स्मृति में जयपुर जेम्स चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। भारतीय शास्त्रीय संगीत की विरासत को अक्षुण बनाए रखने के लिए, उसके विकास के लिए, उस सांगीतिक विरासत को सहेजने के लिए, उसे पुष्पित और पल्लवित करने के लिए जयपुर जेम्स चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसने उगम के नाम से वार्षिक संगीत समारोह की शुरुआत की जो हर साल होता आ रहा है। इसमें दुनिया के कई जाने माने संगीतकारों ने अपने कार्यक्रम पेश किए हैं। आदरणीय पंडित शिव कुमार शर्मा जी के कुशल निर्देशन में और उनके सफल मार्गदर्शन में और जयपुर जेम्स के प्रोप्राइटर श्री पदम सचेती जी और उनके परिवार के अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम साल दर साल निरंतर चलता आ रहा है और आज इस रूप में आपके सामने है। 2007 में ट्रस्ट ने स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम शुरू किया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ऐसे नौजवान कलाकार जो संगीत की साधना में लगे हुए हैं और उनकी तालीम में कोई रुकावट ना हो, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ट्रस्ट ने स्कॉलरशिप देने का एक कार्यक्रम शुरू किया। 2008 में जयपुर जेम्स चैरिटेबल ट्रस्ट ने पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पूज्य पिता स्वर्गीय पंडित उमादत्त शर्मा जी की स्मृति में
एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया जिसे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में संगीत के ऐसे दिग्गज कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने संगीत के योगदान में कार्य किया हो। यह अवार्ड इसी समारोह अर्थात उगम के अंतर्गत ही दिया जाता है। पहले पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित राम नारायण जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित जसराज जी, गिरजा देवी जी, पंडित बीरू बिरजू महाराज जैसे कई दिग्गज संगीत के कलाकारों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब यहां पर शिरकत कर चुके हैं और भी कई बड़े लोग, जाने माने लोग, मुरारी बाबू भी इस मंच पर आ चुके हैं, डॉक्टर करण सिंह भी इस मंच पर आ चुके हैं। तो शास्त्रीय संगीत की सेवा में सदैव तत्पर जयपुर जेम्स चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2009 में उड़ान के नाम से एक और कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें संगीत के युवा कलाकारों को, जिन्हें ट्रस्ट के द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, कोर्सेज दिया जाता है जहां वो अपनी कला को दुनिया के सामने ला सके। जयपुर जेम्स चैरिटेबल ट्रस्ट ने वर्ली फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया है। शास्त्रीय गायन वादन के साथ साथ ये ट्रस्ट शास्त्रीय नृत्य के लिए भी अपना योगदान देता है। तो आइए जयपुर जेम्स ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज के संगीतमय समारोह उगम का हम आनंद उठाते हैं। जब सुर खनकते हैं बेजान साजों पर, आवाज के पंखों पर उड़ने लगता है कोई गीत, जब दिल झूम झूम गाते हैं क्योंकि संगीत दिलों का उत्सव है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत हर संस्कार में हमारे साथ होता है। ईश्वर की दी हुई एक साक्षात शक्ति जो चाहे तो हमें रूहानियत से जोड़ दे, चाहे दुख में डाल दे, चाहे सुख में डाल दे। जिस मूड का संगीत वैसा हमारा मन, कहते हैं इस मन को कोई काबू नहीं कर सकता, पर संगीत में वो शक्ति है जो इस मन को नियंत्रित कर सकता है। ईश्वर ने हमें ये पुरस्कार दिया है, अपने मन को जिस भी रूप में हम ढालना चाहें संगीत के माध्यम से हम ढाल सकते हैं। संगीत ईश्वर की इस महान शक्ति को आइए इसका अभिनंदन करते हुए, इस संगीत को सर झुकाते हुए आज के इस कार्यक्रम, सुरीले कार्यक्रम उगम का हम आगाज करते हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा है, उस परमपिता परमेश्वर को किसी भी कार्य के आरंभ में याद करने की, तो उन्हें दीपक जलाकर परमात्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करके इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तो मैं आज के हमारे आदरणीय अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। पंडित अरविंद पारिक साहब, एसडीजी पुलिस महाराष्ट्र श्री एएन रॉय साहब, श्री विजय किचलू साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर श्री एसएस मुंद्रा साहब, श्री सतीश माथुर जी डीजी महाराष्ट्र पुलिस, श्री गणेश कुमार जी फाइनेंस सोसाइटी के चेयरमैन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री अरुण तिवारी जी, जयपुर जिम्स के प्रोप्राइटर श्री पदक सचेती सागर मंच पर अतिथि आमंत्रित हैं और दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। साच्यम चवर्ति संयुक्तम बहिनाम योजितम मया दीपम ग्रहण देवेश रलोक्यतिमिराभम भक्त्या दीपम प्रच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम नृयात घोराद दीप ज्योतिर नमस्तुते। छूटा जाए ये लाइन ही काफी है जिस व्यक्तित्व की मैं याद कर रहा हूं। जाने वाले कभी नहीं आते हैं, उनकी याद आती है। इंसान के कर्म ही लोगों के जहन में उसे सदा के लिए जिंदा कर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय शास्त्रीय संगीत के जयपुर घराने की एक प्रख्यात गायिका, एक कुशल वक्ता, पद्म विभूषण स्वर्गीय श्रीमती किशोरी अमोनकर जी की, जो अब हमारे बीच नहीं है। आइए इस सभागार में 2 मिनट का मौन रखकर संगीत जगत की उस महान हस्ती को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं मंच पर इस माइक पर आमंत्रित करने जा रहा हूं दुनिया के जाने माने संगीतकार, संगीत के शब्द सुरों से जो दुनिया में आनंद का संचार कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आंखों में जिनके लिए बहुत प्यार है, ऐसे मेरे परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी को मैं माइक पर आमंत्रित कर रहा हूं। वो आए और जयपुर जेम्स के उगम और उड़ान कार्यक्रमों के बारे में कहें और स्कॉलरशिप के चेक प्रदान करें। पंडित शिव कुमार शर्मा जी।